धन्यवाद। अब आज अपने वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र सेवापुरी के इस विकास का, उसके साथ साथ 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना का जो पूरे देश के अंदर विकास चला है, उसी के तहत ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेवापुरी विधानसभा का है। जिस तरह से बात किया गया कि 9 साल से बात की जा रही है कि सरकार तमाम विकास के कार्य किए हैं, वहीं अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये चीज कर रहा है कि सिर्फ विकास के नाम पर कहा जाए तो जनता के साथ छलावा है। नहीं, अब आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से किसी बात का छिपा नहीं है। आपको बता दूं, ट्रेस फैसिलिटी सेंटर इतना बड़ा, बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर बड़ा, रिंग रोड बना, अभी अली नगर का वो पुल जो बन रहा है, अभी बाबतपुर चले जाइए वहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, आप चले जाइए शिवपुर लहतारा से लेकर शिवपुर बाईपास का पुल का निर्माण हो रहा है, और चौमुखी विकास पूरा हो रहा है अभी, तो उसमें अब देखने की हम लोगों को आवश्यकता है कि क्या देखें। अभी आप चले जाइए मोहनसरा से लेकर और कैंट तक चौड़ीकरण जो हो रहा है आपके सामने है, आप चले जाए भदोही जो है चौड़ीकरण हो रहा है, आप उस रोड को आप देख लीजिए, यहाँ से चुनार चले जाइए रोड, सारे रोड को देख लीजिए, आप गंगा घाटों पर जाकर देख लीजिए क्या मतलब रौनक है, आप नमो घाट पर भी चले जाकर देख लीजिए, चारों तरफ विकास है। अगर किसी को नहीं दिखाता अभी पक्षियों को, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे। आम जनता को चाहिए होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ कहा जाए कि आम जनता का, आपको बता दूं, नहीं आम जनता के लिए आपने देखा होगा कि कितने कई करोड़ों आवास, कई करोड़ खाता खुलवाए गए, कई करोड़ जो है ये शौचालय दिया गया, कई करोड़ उनको गैस कनेक्शन दिया गया, और उनको जिसको घर नहीं है उससे पूछे, जिनको 2.5 लाख का घर दिया जा रहा है, देहात में 1,00,000 जो पेंशन मिल रहा था, 1,000 उनको पेंशन दिया जा रहा है, किसानों के लिए सम्मान निधि में साल भरे में 6,000 रुपया उनको डायरेक्ट जा रहा है, और नौकरी जिसको मिला अभी परसों डॉक्टर महेंद्र पांडे जो भारी उद्योग मंत्री हैं केंद्र सरकार में, हम लोगों ने मिलकर 170 बेरोजगारों को नौकरी नियुक्ति पत्र दिया है, उनसे पूछा गया, 1 पैसा नहीं लगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, देश के विकास की घोषणा किया था, चाहे एम्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जितने भी कॉलेज हैं, मेडिकल शिक्षा हो, शिक्षा में सुधार हो, सारे प्राइमरी से लेकर आप चले जाइए, बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा, मतलब क्या नहीं हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि न होता हो, और घर घर जल, नल से जल देने का प्रावधान, और अब जिसके घर गैस का कनेक्शन हो गया उससे पूछे कि जो टंकी लेता था अब वो जो कितना उसमें फर्क है, सस्ता मिल रहा है। ऐसा है कि अधिकारी कहीं ना कहीं गलत दृष्टिकोण से उसको देखे थे कि पानी उसको रोक देंगे, ऊंचा हो जाएगा तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों ने भी जब जाकर देखा तो उसको रातों रात हटवाया, उसकी जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो इंटरनेशनल स्टेडियम का जुलाई के महीने में हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जमीन क्रय कर चुकी है, उसकी नापी हो चुकी है, अब वो प्रधानमंत्री को शिलान्यास करने की आवश्यकता है, अभी आया नहीं, आ जाएगा तो बता दिया आपको, सबको मालूम हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की